सूर्या बापूजी, मुझे जरा अनुज के पास जाना पड़ेगा। आप लोग घर जाके आराम कीजिए न। अब कुछ भी होगा तो मैं फटाफट फ़ोन कर दूंगी और कल के लिए मैं सब कुछ पक्का करके आपको फ़ोन करती हूँ। हाँ, जय श्री कृष्ण। हम चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो बेटा। पानी सर से ऊपर चला गया है, जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने सोच लिया है। अनुज का बर्थडे कल है, लेकिन अनुपमा को गिफ्ट हम देंगे। हो गया। मम्मी, कल हम ये पापा को बर्थडे क्राउन पहनाएंगे। सरस। कल बहुत मजा आएगा। कल जन्मदिन कान्हा जी और तेरे पापा का है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे तोहफा हमें मिलेगा। ए, ठीक से। Can I help you? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे एक मिनट, यहाँ बैठिए। आइए। थैंक यू। कल आपका जन्मदिन बहुत 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 खास होगा। तो डन, कल हम यही करेंगे। We have to. कल बताऊंगी अनुपमा को कि परखा क्या चीज है। मम्मी, हाँ? जब कान्हा जी एक है तो मुखर्जी तीन क्यों? क्योंकि यहाँ कान्हा जी के तीन तीन रूप हैं। एक झूले में बैठने वाले लड्डू गोपाल, दूसरे आंगन में खेलने वाले बाल कृष्णा, और तीसरे मन में बसने वाले कन्हैया। मम्मी, कान्हा जी अर्थ पर क्यों आए थे? जब बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना, तब भगवान जी को आना ही पड़ता है उसका अंत करने के लिए। भगवान जी बुराई शुरू होते क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि भगवान जी सजा देने से पहले हर एक को एक मौका देते कि देखो अब सुधर जाओ, अभी भी समय है, वरना बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। पता है पाप का खड़ा होता है कहाँ पर? भगवान जी के पास। उसमें एक एक बुरा काम, एक एक गलत काम, एक एक पाप, सब कुछ जमा होता है। और जब वो घड़ा भर जाता है तो भगवान जी को सजा देनी पड़ती है। और अगर भगवान जी बिजी रहे तो ये शुभ काम नीचे वालों को करना पड़ता है। और नीचे वाले भी हर एक गलती का हिसाब रखते हैं। बुरे लोग घड़ा भरने से पहले रुक जाए तो अच्छा, नहीं तो चांटे पर चांटा। अनुपमा जी, हम कैमरा लगाने आए। जी। मैं ठीक से दिख रही हूँ ना? देखिए सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना? कैसी लग रही? हे यू, स्टॉप लाफिंग एंड आउट ऑफ हियर। मुझे तुम जैसी अनप्रोफेशनल नर्स नहीं चाहिए अपने देवर के लिए, जो फैमिली मैटर्स में इंटरेस्ट ले और काम के समय या ड्यूटी के समय नॉवल पढ़ती रहे। सॉरी मैम, मैं तो बस यहाँ क्योंकि। ओ प्लीज जस्ट शट अप, लीव जस्ट नाउ। मैं दूसरी नर्स बुलवाऊंगी। यू जस्ट लीव फ्रॉम हियर। कैमरा लगवा लिया ने, तो अब बस हो गया। रही बात शिल्पा की, तो वो अपना काम ईमानदारी और मेहनत से कर रही है, तो रहने दीजिए। शिल्पा कौन है? इनका नाम नर्स नहीं शिल्पा है, और इनकी ईमानदारी आपके कैमरा को दिखाई दे ना दे मुझे दिखाई देती है, तो ये यही रहेंगी। अनुपमा तुम? कहानी इस घर में शोर नहीं, और इस कमरे में मेरे अनुज के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। आपको जो भी कहना है बाहर जाके कहिए। कैमरा लगाना था, मैंने आपको लगाने दिया। अब इस कमरे में कोई बातचीत नहीं, मेहरबानी करके बाहर चले जाइए। सॉरी सॉरी शिल्पा, सॉरी। प्लीज मैम आप सॉरी मत बोलिए। आई प्रॉमिस मैं अपने काम में कोई गलती नहीं करूंगी, आज तक नहीं किया है। जानती हो, भरोसा है। मैं जाऊं? हाँ जा। और आप जरा भी चिंता मत कीजिए। हम जो भी सुना है उसे अनसुना कर दीजिए, और अगर गुस्सा आ रहा हो तो लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेते रहिए। बिल्कुल ऐसे, शाबाश। और आपको पता है 5 घंटे में आपका जन्मदिन है। हाँ आज शेरनी बन रही है, कल इसे मैं भीगी बिल्ली बनाऊंगी। शेरनी तो वो आज भी नहीं बनी है। मुझे लगा था कैमरा की बात को लेकर झगड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई। अनुपमा मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रही है। मतलब उसने कैमरा लगाने दिया कमरे में, लेकिन नर्स को नहीं निकालने दिया। मतलब कंट्रोल दिया भी और नहीं भी दिया। एग्जैक्टली। तुम लॉयर के साथ सारे लीगल इश्यूज सॉर्ट करो, मैं बड़ी सेलिब्रेशन की तैयारी करूंगी। कल कान्हा जी का जन्म होगा और हमारा पुनर्जन्म। बापूजी अनुज ठीक है? हाँ? उसकी देखभाल के लिए एक फुल टाइम नर्स भी है, और डॉक्टर भी चेकअप के लिए आते जाते रहेंगे। और अनुपमा तो है ही, तो चिंता मत कर बेटा। हाँ पर वो हॉस्पिटल की देखरेख में और घर में थोड़ा फर्क होता ना। अरे नहीं नहीं, उसका कमरा तो बिल्कुल एकदम वो हॉस्पिटल जैसा बना दिया है, वो मशीन मशीन सब ले आए हैं। अच्छा, आपकी दोबारा बात होगी बापूजी तो उनकी बच्ची से कहिएगा कि मशीन मशीन से दूर रहिए। जीजा जी कहीं मेरी तरह भूल तो नहीं गए ना कि वहाँ पे अनुपमा भी है, मम्मी भाई भी है। हाँ अनुपमा तो है। मैं अनुज को देख के आता हूँ। पापा नहीं, पापा आप जाएंगे तो वहां पे फिर वही तमाशे होंगे, वही आर्ग्यूमेंट्स होंगे। बरका आंटी आपके ऊपर इल्जाम लगाएंगी कि अनुज की हालत के जिम्मेदार आप हैं, और आप ही ने उनको मारने की कोशिश की थी। हाँ पापा, वो सिर्फ आप पे इल्जाम लगा के रुकेंगी नहीं, मम्मी पे भी इल्जाम लगाएंगी, और फिर कहेंगे कि मम्मी आपको इसलिए सपोर्ट करें क्योंकि वो आपके साथ मिली हुई हैं। पापा आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये दो परिवार ना एक साथ हो ही नहीं सकते। मम्मी को किसी चीज की जरूरत होगी ना तो वो हमें बोल देंगे और हम कर देंगे, लेकिन ये रोज का आना जाना हमें बंद करना होगा। हर परेशानी सिर्फ मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। थैंक यू। हाँ भाभी, आपने कमरे में कैमरा लगा दिया, अब मैं रसोई में काम करते करते अपने अनुज को देख सकती हूँ, और जब मैं उनके पास जाऊं तब आप मुझे देख सकती हैं। अच्छा है ना? किस लिए? बड़ा वाला केक कल काटेंगे, लेकिन ये छोटा वाला कप केक आज रात 12 बजे के लिए। और कल कान्हा जी की पसंद के लड्डू खीर पूरी सब बनाएंगे। मक्खन आंटी भी। हाँ, अरे वो तो होगी। नहीं नहीं, ये वाला क्लॉज हटा के अनुपमा के लिए दूसरा क्लॉज डालिए जो मैंने आपको पहले भेजा था। ओके? हश, अब कल के लिए सब डन। सारी तैयारी हो गई काका, कल के लिए सब डन। त्योहार आया नहीं और बिजली की कटौती शुरू, बस कल का दिन निकल जाए। कल के लिए पहले से ही इन्वर्टर मंगवा लेंगे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आपने मेरे पापा को हर्ट किया। I hate you। नहीं बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बेटा सुनो मेरी बात, आपकी वजह से मेरी मम्मी को क्या फेस करना पड़ा। बच्चा I'm sorry बेटा, ऐसा कुछ। आप बहुत बुरे हो। मेरी बात सुन ले बेटा, सुन बेटा, ऐसे बैठो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बेटा मेरी बात सुनो बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। वनराज क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पापा मैंने चोट तो नहीं लगी ना? हाँ तो ठीक तो है पापा, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? भी मैं डॉक्टर को फोन करूँ? मुझे अनुज से मिलने जाना है। तू वो घर में नहीं जाएगा। मुझे अनुज से मिलने जाना है बा, मुझे जाना है। बस शांत हो जा, बिल्कुल शांत हो जा। नहीं बापूजी, मुझे अनुज से मिलने जाना है, मुझे मिलने जाना है। एक बार कह दिया ना कि तू उस घर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, बात खत्म। मुझे अनुज से मिलने जाना है बाप। अगर तू जिद करेगा तो यशोदा मैया ने जैसे कृष्ण भगवान को रस्सी से बांध दिया था, ऐसे मैं तुझे बांध दूंगी। नहीं बा, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ेगा अनुज से मिलने। तू नहीं जाएगा, कह दिया ना तू नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। तुझे पता नहीं वहाँ हॉस्पिटल में वहाँ क्या क्या बात हुई थी। एक बार मैंने कह दिया तो बात खत्म, जिद क्यों कर रहा है तू? अच्छा बा मैं नहीं जाऊंगा। आप शांत हो जाइए प्लीज, आप शांत हो जाइए। सॉरी बा, मैं जाऊंगा, मुझे अनुज से मिलना है, बात करनी है, उसे जन्मदिन की बधाई देनी है। मैं जानता हूँ वो नींद में भी सब सुन सकता है। मैं जाऊंगा, कल उससे मिलने जरूर जाऊंगा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Anu, happy birthday to you, hey happy birthday, happy birthday papa, हैप्पी बर्थडे गालिब। आहा, चलिए अब विश मांगिए। जानती हूँ आपकी विश वही होगी जो हम सब की है, यही कि आप जल्दी से उठ जाओ और अपने परिवार को अपने गले से लगा लें, है ना? मम्मी लाइट की कैंडल बुझेगी नहीं तो विश कैसे पूरी होगी? विश को पूरी करने के लिए विश्वास की जरूरत होती है, मोमबत्ती की नहीं। चलो बेटा, कल त्योहार है ना तो जल्दी उठना है। मैं तुम्हें सुला देता हूँ। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट गुड़िया, गुड नाइट आंटी, गुड नाइट गुड़िया। आओ बेटा आओ। गुड नाइट माय डियर अनुज। वेरी गुड, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ मैम। पति पत्नी का प्राइवेट पल है तो कोई और क्यों देखे? ये बस हम दोनों का पल है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई कपाड़िया जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेरे अनुज, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा बना। अब आपके हिस्से का भी मैं ही खा लेती हूँ। खाओ। हॉस्पिटल से लेके अभी तक मेरे कान में बस एक ही चीज बोल रही हो कि उठ जाइए कपाड़िया जी, उठ जाइए कपाड़िया जी, लीजिए उठ गए कपाड़िया जी। हैप्पी? हाँ। मुझे याद है मेरी पिछली बर्थडे पे तुमने मुझे ज्यादा भाव नहीं दिया था। तुम्हारे घर में मैं खंबे के किनारे हाथ फोल्ड करके खड़ा था और तुम डांस कर रही थी, तुमने मुझे देखा नहीं था। लेकिन इस बर्थडे में मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। अरे आफ्टर ऑल मैं हीरे की रिंग हूँ। वो फील मुझे भी कि मैं किंग हूँ। अरे मेरा भी कोई चांस हो, थोड़ा सा रोमांस हो। मेरा बर्थडे है भाई, थोड़ा सा डांस हो। इतनी खराब शायरी, लगता है आप पे दवाइयों का गलत असर हो रहा है। अरे मोहतरमा, शायर की शायरी को नहीं, उसकी फीलिंग्स को समझो यार। अच्छा। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। हैप्पी बर्थडे मेरे कन्हैया। सपना था, पर ये सपना सच जरूर होगा। कहते हैं ना, सपने आने वाली खुशियों की आहट होते हैं। क्या पता कान्हा जी की कृपा से ये सपना कल ही पूरा हो जाए। कान्हा जी, आज का दिन खास बनाती चले, मेरे कन्हैया पे कृपा करती चले। कान्हा जी, आप भी ऐसी ही एक तूफानी रात में इस दुनिया में आए थे। मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा तूफान आया है, कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप तो सब देख सकते हैं ना। आप ही बताइए कि सच क्या है। थैंक यू मिस्टर गुप्ता। थैंक यू। अब होगा असली सेलिब्रेशन। अब होगा असली अनुज, 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 ये क्या? मैम, उनकी आंखें खुली है पर ये अभी भी नींद नहीं है। नींद में? मतलब ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये तो डॉक्टर के चेक करने के बाद ही पता चलेगा मैम। हाँ डॉक्टर। अनुज, हेलो डॉक्टर भाई, अनुज की आंखें खुली है पर वो कुछ बोल नहीं। आप जल्दी आइए ना, आप जल्दी आइए, जल्दी आइए। हाँ अनुज। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।